हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका मैं आपको चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कराऊंगी, मेंसुरेशन। ये चैप्टर आपने थोड़ा बहुत क्लास सेवन्थ में भी पढ़ा होगा और आप इस चैप्टर को 9th क्लास में और 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हो। तो इसमें आपको फिगर्स पता है, जैसे आपके पास ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। ये तो 2D शेप्स हो गई आपके पास। 3D शेप की मैं बात करूँ, क्यूब क्यूबॉइड होता है, वो सारा इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। उनके वॉल्यूम हो गई, उसका एरिया कैसे निकालते हैं उनका, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग आपको पॉलीगन से दिए। पॉलीगन आपको पता है कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। आप सर्कल को पॉलीगन नहीं कह सकते क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता। माना वो क्लोज्ड होता है पर वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता। तो ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब क्या है, मेरे पॉलीगन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से भी बने होते हैं और ये क्लोज्ड भी होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले हैं क्वेश्चन में ही बताती रहूँगी, तो आप वो सारे फॉर्मूले एक सेपरेट शीट पर लिखते रहना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल वन से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 20 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं ना, ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम होता कैसे है पहले हम ये जानते हैं। ऐसा कुछ होता है, देखो ट्रेपीजियम, ऐसा कुछ अगर मैं इसके एरिया की बात करूं ना, तो वो होता है आपके पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साथ साथ आप ना एक पेज पे अलग से लिखते रहना, ठीक है, और इनटू में होता है हाइट। ये इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का ट्रेपीजियम का। अब क्वेश्चन में मुझे एरिया ऑलरेडी गिवन है, हाइट मुझे गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट गिवन है, ये मुझे 15 कह रहे हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होती हैं पैरेलल साइड्स, तो एक मुझे 20 गिवन है पर दूसरी नहीं गिवन, तो मैं दूसरी को लेट कर लेती हूँ। लेट अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू एक्स। फॉर्मूले में पुट करें तो एरिया 480 गिवन है, ये हाफ ऐसी है, दोनों पैरेलल साइड का सम, एक मुझे 20 गिवन है, दूसरी मैंने एक्स मानी है, हाइट मतलब इनके बीच का डिस्टेंस वो मुझे 15 गिवन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? 480 के पास 2 को ले गई, मल्टीप्लाई का हो गया, ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, यहाँ बचा 20 प्लस का एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो जिससे कट हो रहा है ईजिली कट करो, 3 से कट हो रहा है 5 पे, 3 1 जै 3, 3 6 जा और 0, ये इससे कट हो रहा है 5 3 जा 15, 32, 32 इंटू में 2 कितना आएगा 64, एक्स कितना निकल गया 44। तो इसका मतलब अदर पैरेलल साइड की आ गई आपके पास, मीटर। क्वेश्चन में यही आपको बतानी थी। तो ये फॉर्मूला एक जगह आप लिख लीजिएगा ट्रेपीजियम का, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको ये काम आएंगे, उस टाइम पे याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 2 पे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240, वन ऑफ द डायगोनल इज 16, फाइंड द अदर। रोम्बस की बात कर रहे हैं, पहले एक बार फिगर ड्रॉ करो। देखो रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ये मैंने मान लो रोम्बस बना लिया, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पर यहाँ मुझे साइड्स की कोई बात नहीं कर रहा, मुझे इसके डायगोनल्स दे रखे हैं, ये होते हैं डायगोनल्स। एक डायगोनल दे रखा है, कितना है आपके पास 16, दूसरा आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू।
मतलब डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू, एक दे रखा है दूसरा नहीं दे रखा है। एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है 240। अगेन ये फॉर्मूला है, एक जगह आप साइड में लिख लेना, ठीक है। एक डायगोनल 16 दिया है, दूसरा नहीं दिया तो छोड़ दो, डी टू ही रहने दो। इसको इससे काटा, 8 आ गया। अब ये 8 इसके साथ क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का, दूसरी साइड ले जाओ तो ये डिवाइड का हो जाएगा। इसको इससे काट दो, 3 8 जाए तो 24 होता है। तो डी टू कितना आ गया आपके पास, 30। यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है। तो अदर डायगोनल पूछ रहा था, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ये था एग्जांपल 2। तो दो फॉर्मूले आज हमने किए, एक ट्रेपीजियम वाला किया ये वाला, और एक हमने एरिया किया रोमबस का। दोनों आप एक जगह लिख लीजिए। अभी और एग्जांपल है, एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है ये, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बेस नहीं समझोगे तो 9th और 10th क्लास में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से समझ समझ के। कहीं दिक्कत लगे आज के क्वेश्चंस में कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको पता है इस चैनल पे आपको क्लास 8th के सारे ही चैप्टर के सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्लस एग्जांपल्स एंड ट्राई दिस सब चीज़ मिलती हैं। साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।